नमस्कार, निर्माण IAS के आर्थिक हलचल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के नवीन और वर्तमान घटनाक्रम को शामिल करते हैं। आज के हमारे विषय हैं पी नोट्स और आय असमानता। पहला टॉपिक है आय असमानता। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अपना एक शोध पत्र जारी किया है, जिसपे यह बताया गया कि भारत, लैटिन अमेरिका और सब सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में आय असमानता सबसे अधिक है और अधिकांश देशों में असमानता लगातार बढ़ रही है। भारत के बारे में शोध पत्र में यह दावा किया गया है कि पिछले एक दशक में पहले से ही विद्यमान उच्च असमानता और अधिक बढ़ गई है। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1980 की शुरुआत से ही भारत का औसत गिनी गुणांक 47 रहा। वर्ष 2001 में इसमें तेजी आनी शुरू हुई और वर्ष 2010 तक 50 पर पहुंच गया। नए आधार वित्त वर्ष पर GDP के आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं है। गिनी सूचकांक 0 से 100 तक के पैमाने पर राष्ट्रों को मापता है, जहां 0 का अर्थ पूर्ण समानता और 100 का अर्थ पूर्ण असमानता होता है। बढ़ती आय असमानता व्यापक सामाजिक राजनीतिक चुनौतियों, कमजोर विकास और ऋण चुनौतियों के कारण बढ़ती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय $1,964 है और इस मामले में देश 142वें स्थान पर है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2017 के मध्य संपत्ति की असमानता 6 गुना बढ़ी है। कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में मजदूरी का अंतर 5 गुना है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक असमानता देखी जा सकती है। साथ ही जनसांख्यिकी और लैंगिक असमानता भी 1991 के उदारीकरण के बाद बढ़ी है। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, पी नोट्स निवेश। भारतीय पूंजी बाजार में पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए मई के अंत तक निवेश 82,619 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले महीने से 1.72% की वृद्धि लिए रहा। पी नोट्स पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किया जाता है जो बिना सीधे पंजीकरण के भारतीय शेयर बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अर्थात भारतीय शेयर बाजार में बिना पंजीकरण के पी नोट्स के द्वारा निवेश किया जा सकता है। 1992 में सेवी ने भारतीय शेयर बाजार में रजिस्टर्ड विदेशी ब्रोकरेज हाउस को पी नोट्स के जरिए निवेश करने की इजाज़त दी। विदेशी निवेशक सिंगापुर और मॉरिशस के रास्ते भारत में ज़्यादा निवेश करते हैं, इस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। पी नोट्स ब्लैक मनी के खतरों से घिरा रहता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी दी गई है। SIT ने अपनी सिफारिशों में कहा कि सेवी को पी नोट्स के वास्तविक निवेशक की पहचान को स्पष्ट रखना चाहिए। कुछ देशी निवेशक टैक्स हेवन देशों के माध्यम से अपना पैसा पहले ऐसे देशों में भेजते हैं, फिर वापस पी नोट्स के जरिए भारत में निवेश करते हैं। इससे इन निवेशकों को कर चोरी का फायदा मिलता है और ब्लैक मनी व्हाइट मनी में बदल जाती है। हालांकि सेवी द्वारा इन सभी गतिविधियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। हम उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपकी परीक्षा में मददगार साबित होगा। हम इस तरह के टॉपिक भविष्य में भी लाते रहेंगे। निर्माण IAS YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।